मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज हम आपको व्हाट्सएप के 11 ऐसे सीक्रेट्स और राज के बारे में बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप दुनिया में सबसे बड़ी मैसेजिंग सर्विस है जिसके सिर्फ 70 मिलियन यूजर्स इंडिया में ही मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप की टिप नंबर 11 में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना इंटरनेट अपने मोबाइल की सिम पर यूज करें और आपके पास बहुत लिमिटेड सा डाटा वॉल्यूम है तो आप कैसे अपने डाटा वॉल्यूम को जाया होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए आप ये 3 डॉट वाली लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सेटिंग्स पर जो क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपने जो आपको नज़र आ रहा है डाटा यूजेज, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है डाटा यूजेज पे क्लिक करना है। डाटा यूजेज पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये लिखा आ रहा है मीडिया ऑटो डाउनलोड, यानी आपका जो मीडिया है जो भी आपको फोटोज या वीडियोस आती है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन सब पे टिक हटा सकते हैं। आम हालात में ये टिक आपके पास ऐसे लगे होंगे लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये जो टिक है ये इनको अनचेक कर देना है और उसके बाद कोई भी मीडिया आपके पास ऑटो डाउनलोड नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा अपना डाटा को बचाना तो आपको चाहिए कि लो डाटा यूजेज पे इस पर टिक का निशान लगा दें और इन दो कामों से आपका डाटा काफ़ी हद तक बच पाएगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 10 की। नंबर 10 पे जो टिप है उसमें हम बताएंगे कि आप अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ किस्म का फॉन्ट कैसे दे सकते हैं। इस फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट के शुरू में स्टार टाइप करें और आखिर में भी स्टार टाइप करें। जो ही आप स्टार टाइप करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि अपने टेक्स्ट के शुरू और आखिर में स्टार लगाने से ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। और इसी तरह आप अगर अपने टेक्स्ट के शुरू में अंडरस्कोर और अपने टेक्स्ट के, ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा और आखिर में भी आपने क्या करना है अंडरस्कोर लगाना है। जो ही आप शुरू और आखिर में अंडरस्कोर लगाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक शेप इख्तियार कर जाएगा, यानी कि ये देखिए ये तिरछा आपका टेक्स्ट जो है हो चुका है। और इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट के शुरू में कंटिन्यूस का साइन यूज़ करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कंटिन्यूस का साइन है, इसको आप अगर आप यूज़ करेंगे और उसके बाद आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे और आखिर में भी आप यही सिंबल यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ यूं शो होगा, यानी आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन होगी जो कि आपके टेक्स्ट को काट रही होगी। ये 3 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आप टेक्स्ट फॉर्मेट जो हैं इस तरीके से अपना सकते हैं। नंबर 9 पर हमारी जो व्हाट्सएप टिप है वो ये है कि अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहा हो व्हाट्सएप पे और आप उससे तंग हो और आप उसे ब्लॉक भी नहीं करना चाहते लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी कन्वर्सेशन जो है वो म्यूट हो जाए, यानी कि उसके मैसेज की या जो नोटिफिकेशन की बेल है वो आपको सुनाई ना दे, तो आप बड़ी आसानी से उसको म्यूट कर सकती हैं। उसको म्यूट करने के लिए पहले उसके टेक्स्ट की चैट वाली विंडो में जाएं और उसके बाद फिर 3 डॉटेड लाइन वाली जो ऑप्शन है, ये देखिए ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपने म्यूट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप म्यूट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको म्यूट करना चाह रहे हैं 8 घंटों के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 1 साल के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। अब जब भी इस कॉन्टैक्ट से आपको मैसेजेस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल सुनाई नहीं देगी और बाकी तमाम पर आपको नोटिफिकेशन बेल सुनाई देगी। नंबर 8 पर जो हमारा व्हाट्सएप सीक्रेट है वो ये है कि अगर आप किसी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं, यानी आप किसी दोस्त से तंग हैं और उसे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सिंपली उस कॉन्टैक्ट को ओपन करें। उस कॉन्टैक्ट की चैट वाली विंडो में जाने के बाद आप ऑप्शंस में जाके मोर पे क्लिक करेंगे और मोर पे क्लिक करने के बाद ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे। जो ही आप ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो दोबारा आपसे वेरीफाई करेगा, आपने सिंपली ब्लॉक कर देना है। और जो ही आप ब्लॉक करेंगे तो अब आपको ये टेक्स्ट दोबारा नहीं कर पाएगा, यानी कि आपको इस कॉन्टैक्ट से किसी किस्म का भी मैसेजेस वसूल नहीं होंगे। नंबर 7 पर जो व्हाट्सएप ट्रिक और सीक्रेट हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे व्हाट्सएप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप व्हाट्सएप का वॉलपेपर बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी दोस्त की चैट विंडो में जाएं और उसके बाद आप ये 3 डॉट वाली जो लाइन नज़र आ रही है इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद आपने वॉलपेपर पर क्लिक करना है। जो ही आप वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये वॉलपेपर चुनने को कहेगा, तो आपने यहाँ से कोई भी वॉलपेपर जो है अपनी मनपसंद का चुन लेना है। और ये देखिए मैं यहाँ से एक ये कलर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको सेट पर क्लिक कर दूंगा।
जो ही आप सेट पर क्लिक करेंगे तो ये वॉलपेपर आपके लिए सेट हो जाएगा। ये देखिए आप ये चैट की विंडो में ये वाला वॉलपेपर जो है वो सेट हो चुका है। नंबर 6 पर जो हमने व्हाट्सएप का ट्रिप और सीक्रेट रखा है वो ये है कि आप किसी भी ऐसे दोस्त का कंटेक्ट जो है वो अपनी होम स्क्रीन पर डेक रख सकते हैं जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा चैट करते हैं। मसलन ये देखिए आपने उस कंटेक्ट को खोलना है, उसकी चैट की विंडो को खोलना है, उसके बाद आपने ऑप्शंस में जाके मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करना है। जो ही आप ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो दोस्त है उसकी जो शॉर्टकट है वो आ जाएगी आपकी होम स्क्रीन पर। ये देखें ये आपकी दोस्त की चैट वाली जो विंडो है उसकी शॉर्टकट बन गई। आप जहाँ से आप डायरेक्ट इसको प्रेस करेंगे तो आप उसको मैसेज कर पाएंगे या उसके मैसेज पढ़ पाएंगे। नंबर 5 पर जो व्हाट्सएप का सीक्रेट और टिप हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपने अपने किसी मोबाइल पर व्हाट्सएप का इजाफी अकाउंट बना रखा है और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप अपने व्हाट्सएप के उस अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप के अकाउंट को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं कि ताकि वो किसी के पास व्हाट्सएप में शो ना हो। तो सिंपली आपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपने ऑप्शंस में जाना है और उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपने सिंपली डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने अपना वो मोबाइल नंबर देना है जो कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं और सिंपली आप पहले अपना कंट्री चूज कर लें। कंट्री चूज करेंगे पाकिस्तान, PAK पाकिस्तान चूज करने के बाद यहाँ पर वो मोबाइल नंबर लिखें जो कि आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। अब वो आपसे रीजन पूछ रहा है कि क्या वजह है कि आप इसको डिलीट करना क्यों चाहते हैं। तो आप चाहें तो रीज़न दे दें, नहीं तो आप अदर पर क्लिक करने के बाद डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर दें। ये देखें अब ये मेरा डिलीट हो रहा है अकाउंट और हमेशा के लिए जो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। दोस्तों नंबर 4 पर हमने व्हाट्सएप का जो राज और सीक्रेट आपके लिए रखा है वो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। यानी आप कैसे दूसरे लोगों को अपना व्हाट्सएप हैक होने से रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अकाउंट पर क्लिक करना है और अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन करनी है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन की वजह से कोई भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा और कोई भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाएगा। तो 2-स्टेप वेरिफिकेशन पर जाएं और इसको एनेबल कर दें। 2-स्टेप वेरिफिकेशन में वो आपको एक कोड एंटर करने को कहेगा, तो आप अपने मनपसंद का कोड एंटर करें और याद रखें कि ये कोड आपने भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस भी देना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा asadalitv@gmail.com। हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि दोबारा ये ईमेल मांगेगा हमसे। हम दोबारा इसको इसी ईमेल को यहाँ पे री एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे। दोस्तों 2-स्टेप वेरिफिकेशन इज एनेबल्ड, यानी हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा अकाउंट मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। नंबर 3 पर जो हम व्हाट्सएप सीक्रेट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आप अपने दोस्त को अपनी मौजूदा लोकेशन कैसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप व्हाट्सएप में जाएं और अपने उस दोस्त की चैट वाली विंडो खोल लें और उसके बाद अटैचमेंट वाले निशान पर क्लिक करें। ये देखें इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने लोकेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। सिंपली आप जब टैप करेंगे तो आपने एक बार सेंड योर लोकेशन पर क्लिक कर देना है। जो ही आप सेंड योर लोकेशन पर क्लिक करेंगे साथ ही आपके दोस्त को आपकी मौजूदा लोकेशन जो है वो मिल जाएगी और वो गूगल मैप के ज़रिए ईजीली आपको ढूंढ पाएगा। नंबर 2 पर जो व्हाट्सएप सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है। उसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो भी मैसेज अपने दोस्त को भेजा वो कितने बजे उसको मिला और कितने बजे उसने पढ़ा। तो उसके लिए सिंपली जो मैसेज आपने भेजा और जिस मैसेज का आप पता लगाना चाह रहे हैं उस मैसेज को लंबा प्रेस करें। लंबा प्रेस करने के बाद आप ये देखें ये आई वाला जो एक आपको सिंबल नज़र आ रहा है यहाँ से आपने आई से इन्फॉर्मेशन बनता है। यहाँ से आपने जब इसको टैप करना है तो ये देखें
रीड और डिलीवर्ड का आपको टाइम पता चल रहा है, यानी कि 3 मिनट पहले उसने रीड किया और 3 मिनट पहले ही उसको मिल गया था, और साथ में टाइम भी मेंशन है 6:50। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फीचर है। WhatsApp का सीक्रेट नंबर 1 जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है, बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सीक्रेट है। इस सीक्रेट में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को कैसे तब्दील कर सकते हैं कि कोई ये ना जान पाए कि आपने दूसरे इंसान का मैसेज जो है वो पढ़ लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप किसी इंसान का मैसेज पढ़ लेते हैं या कोई दूसरा आपका मैसेज पढ़ ले, तो दूसरे फ्रीक के पास या दूसरे दोस्त के पास यूँ डबल किस्म का जो टिक है, डबल टिक है, वो ब्लू हो जाता है। इसका कलर जो है वो चेंज होके ब्लू हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं। इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए सिंपली आप ऑप्शंस में जाएं। ऑप्शंस में जाने के बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने प्राइवेसी पे क्लिक करना है। जो ही आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आप रीड रिसीप्ट्स पर जो लगा हुआ टिक या चेक मार्क है इसको हटा देंगे तो आपकी ये प्राइवेसी सेटिंग डिसेबल हो जाएगी। अब आपका दोस्त ये नहीं जान पाएगा कि आपने उसका जो मैसेज है वो पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल असद अली टीवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी चैनल बन चुका है। थैंक यू सो मच।